नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए 7 अक्टूबर 2021 से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। अगर अभी तक यहाँ पर अंतिम आवेदन की बात करें तो 2,05,000 छात्रों ने अंतिम तौर पर आवेदन पूर्ण कर लिया है और वहीं पर 3,56,000 अभ्यर्थियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है, यानी कि UPTET 2021 के लिए इस बार रिकॉर्ड आवेदन होने वाले हैं। अगर अभी तक आपने UPTET 2021 के लिए आवेदन नहीं किया है और करना चाह रहे हैं तो तुरंत करें, क्योंकि समय अंतिम आने पर जो आधिकारिक वेबसाइट है वो क्रैश रहती है। 2,745 पदों के लिए जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं और ये आवेदन दरोगा भर्ती के लिए हैं, जिसके लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी हो चुका है। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और CAPF में सब इंस्पेक्टर भर्ती के 2019 के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, जहां पर सब इंस्पेक्टर के कुल 2,745 पद हैं। इसमें से पुरुषों के लिए 2,365 और महिलाओं के लिए 169 रिक्तियाँ निकाली गई हैं। तो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन करें। वहीं पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी बड़ी घोषणाएं देखने को मिल रही हैं। जैसा कि 17 अक्टूबर को इसकी परीक्षा प्रस्तावित है और उसी परीक्षा को लेकर आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहां पर की जाएगी जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक के लिए, और इसकी समीक्षा की जाएगी, जिसके लिए सचिव अनामिका सिंह आज दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच समस्त मंडल मुख्यालय के आयुक्त जिलाधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगी, जहां पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाएंगे परीक्षाओं को लेकर। वहीं पर आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ेगी, यहां पर साफ तौर पर कह दिया गया है कर्मचारी आयोग के द्वारा। सिलेक्शन पोस्ट 2021 की परीक्षा के लिए जो अंतिम तिथि है वो अब यहां पर नहीं बढ़ने वाली है, जो तिथियां थी वही रहने वाली हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम तिथि से पूर्व ही आवेदन कर लें, 25 अक्टूबर इसकी लास्ट तारीख बताई गई। PTET 2021 के परिणाम जारी होने के बाद PTET 2021 के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि दोनों पदों पर भर्तियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 31 अक्टूबर तक हर स्थिति में पूर्ण किया जाना आवश्यक है। चूंकि PTET में साक्षात्कार की प्रक्रिया थी, इसलिए उसका परिणाम पहले घोषित किया गया। अब यहाँ पर PTET परीक्षा के लिए जो भी 7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था वो इंतजार कर रहे हैं अपने परिणाम का, और इस परिणाम से संबंधित सचिव महोदय के माध्यम से बताया गया है कि किसी दिन भी, इसी सप्ताह किसी दिन भी, यह परिणाम घोषित किया जा सकता है। और परिणाम घोषित होते ही तुरंत आगे की जो प्रक्रिया है नियुक्ति पत्र की, आवंटन की, वो तुरंत प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाएगी और 31 अक्टूबर से पहले पहले लगभग सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आई होंगी, और ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें।